इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, शेख हसीना ने पीएम आवास भी छोड़ दिया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, जहां लगातार आरक्षण को लेकर जो हिंसा का दौर है वो जारी है, और हिंसा के बीच शेख हसीना ने आज इस्तीफा दे दिया है। पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बांग्लादेश के पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। इसको लेकर सेना प्रमुख ने जानकारी दी है, उन्होंने कहा कि पीएम हसीना ने इस्तीफा दिया है और अब अंतरिम सरकार बनेगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बांग्लादेश के पीएम आवास पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, सेना प्रमुख ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि अब अंतरिम सरकार बनेगी, साथ ही उन्होंने कहा कि देश में शांति वापस लाएंगे। बांग्लादेश में अब 18 सदस्यीय अंतरिम सरकार प्रस्तावित है। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने इस्तीफा दिया है। प्रधानमंत्री ऑफिस में भी हजारों लोग घुस चुके हैं। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर लगातार ये विवाद जारी है और इस बीच ये हिंसा भी होती जा रही है, और हिंसा के बीच आज प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारियों का कब्जा भी पीएम आवास पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेशी हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, सेना प्रमुख ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। पीएम हसीना ने इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है, और अब तक इस हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि अब अंतरिम सरकार बनेगी और देश में शांति वापस लाएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। लगातार आप देख रहे हैं, जिस तरीके से सरकारी नौकरी में आरक्षण को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है, और लगातार जो हिंसा है, जो प्रदर्शन है, वो देखने को मिल रहा है, और इस बीच लगातार मांग की जा रही थी कि बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना अपना इस्तीफा दे दे, और इसी बीच पीएम शेख हसीना ने अपना इस्तीफा सौंप दिया, और इस हिंसा में अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। हिंसा के बीच ही शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दिया है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ढाका जगह छोड़कर भी जा चुकी हैं, ये भी कहा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि शेख हसीना ने पीएम आवास भी छोड़ा है, और पूरे बांग्लादेश बॉर्डर पर 24 घंटे का अलर्ट है। बांग्लादेश के पीएम आवास पर भी प्रदर्शनकारियों का कब्जा देखने को मिल रहा है।